दोस्तों, इस वीडियो में जो कवर करने वाले नेदरलैंड्स वुमेंस अंडर 19 वर्सेस स्कॉटलैंड वुमेंस अंडर 19 का जो कि मैच खेला जाएगा, अगर आप देखो तो T20 मैच, और ये मैच इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत रिस्की है, क्योंकि ना आपको पता है ये मैच ना काफ़ी रिस्की है। अभी तो 2 दिन बचे हैं 100 वुमेंस रेस के लिए, तो कोशिश करना कम से कम अमाउंट इन्वेस्ट करें। और सिर्फ 6 घंटे बचे के मैच स्टार्ट होता है। ये सबसे पहले बात करते हैं मैच इन्फॉर्मेशन की, इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को आखिर तक देखना, इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे जाएगा। उससे पहले आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल यूज़ जॉइन कर, आपको फाइनेंस मॉली टीम शेयर कर दूंगा, ग्राले की टीम शेयर कर दूंगा डेडलाइन से 15 मिनट पहले। सबसे बेस्ट मेथड है, मैं एक लिंक पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स, आप उसके थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक है, आप उसके थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक 100% काम करता है, तो टेलीग्राम चैनल यूज़ जॉइन कर लेना। अगर आपको सर्च करना हो तो सिंपली टेलीग्राम के सर्च बार जाना, सर्च करना स्पेस देके, बिना स्पेस देके, ठीक है, बिना स्पेस देख सर्च करना ऐप इलेवन टीम। अगर आप सर्च करते हो ना, फिर भी आपको चैनल आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पे करीब 41,700 से ज्यादा लोग हैं। तो फायर टीम के लिए टेलीग्राम चैनल यूज़ ज्वाइन कर लेना, ऑफिशियल ज्वाइन करना, लिंक के थ्रू कर लेना, लिंक 100% काम करते हैं। आप डेली फ्री विनिंग टीम प्रोवाइड करते हो डेडलाइन से 15 मिनट पहले, ठीक है, कमेंट बॉक्स लिंक पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल भूल के मिस मत करना ऐसे मैचेस में, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, डेली से बिल्कुल मिस मत करना, ऑफिशियल ज्वाइन करना लिंक के थ्रू, जहाँ पे डेली फ्री टीम प्रोवाइड करते हो, कंफर्म बैटिंग ऑर्डर है सब कुछ, कमेंट उस लिंक पिन भी कर दूंगा। दोस्तों, ये ना फर्स्ट मैच खेला जाएगा सीरीज का, कहीं भी लाइनअप्स अनाउंस ही नहीं हुआ है, सब जगह स्क्वाड अनाउंस हुआ है, तो कैसे भी मैं आपको लाइनअप्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, अभी प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि लाइनअप्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मैच का पहली बार तो लाइनअप्स आ भी नहीं सकता, हो सकता ना आए, इसलिए मेरे को प्रोवाइड लाइनअप्स देना इंपॉर्टेंट है। तो मैं लाइनअप्स बता देता हूँ, पहले बात करते हैं नेदरलैंड्स अंडर 19 वुमेंस का जो कि होनी चाहिए, जो बैटिंग ऑर्डर है वो आप कन्फर्म मान के चल सकते हो, ठीक है। ओपन करे क्रिस्टन स्मिथ से, ओपन करे मेरले डेकलिंग के साथ ओपन करेगी, रोसेली लॉरेंस की टीम से वंडर बैटिंग करेगी टीम इधर से, उसके अलावा फोन पे रोबनी बैन जो की टीम इधर से फोन बैटिंग करेगी टीम इधर से, उसके अलावा पियने को ऑस जो की टीम इधर से फिर बैटिंग करेगी, डोना प्लेवर जो की टीम इधर से बैटिंग करेगी, उसके अलावा एल एस ए कैपेल जो खेलते हैं जब पाल की टीम इधर से, उसके अलावा टीम इधर से फेबे खेलते हैं जब पाल की टीम इधर से, और रोबिन जो कि टीम इधर से 9th में बैटिंग करेगी, रोबिन सचिन मेडेट जो कि टीम इधर से 9th में बैटिंग करेगी, उसके अलावा फेना जो कि टीम इधर से 10th में बैटिंग, और 11th में पे जो कि बॉलिंग करेगी टीम इधर से, मैथ्यू पेन जो कि टीम इधर से बॉलिंग भी पाएगी। तो ये है नेदरलैंड अंडर 19 वुमेंस का लाइनअप्स, बैटिंग ऑर्डर कन्फर्म टेलिया पे यूज़ कर दूंगा, लेकिन इसी के हिसाब से मैं टीम बनानी है। एंड बात करते हैं स्कॉटलैंड अंडर 19 वुमेंस का जो कि होनी चाहिए, ओपन करेगी नेमेस एक जो टीम्स ओपन करेगी इमा वाली सिंगम के साथ ओपन करेगी, बर्न डाउन मैसे जो कि वर्नर बैटिंग करेगी टीम उधर से, मैसे मैके जो वर्नर बैटिंग करेगी, एमलेट का जो कि टीम उधर से फोन बैटिंग करेगी, अलिसा एस्टर जो कि टीम उधर से फिर बैटिंग करेगी, मोली पेटोन जो कि सीधा बैटिंग करेगी टीम उधर से, और उसके अलावा नियमा रोबिस्टो जो टीम उधर से ना बैटिंग करेगी टीम उधर से, उसके बाद मोली बर्बू जो टीम इधर से इतना बैटिंग करेगी टीम इधर से, मॉली स्मिथ टीम से इतना बैटिंग, उसके ओलिवर बेल, उसके अलावा केस्टर पे असर जो टीम सबसे अच्छी प्लेयर टीम उधर से, टीम इधर से आप किसी से इतना भी होप नहीं कर सकते, बट ये सबसे कॉन्सर्ट प्लेयर टीम उधर से, उसके अलावा डेरिक कार्टर। तो दोस्तों, ये है स्कॉटलैंड अंडर 19 वुमेंस का लाइनअप्स, और ये है नेदरलैंड अंडर 19 वुमेंस का लाइनअप्स, और कुछ ज़्यादा मिला नहीं मुझे, ठीक है, क्योंकि इस मैच के ना सिर्फ स्क्वाड सब जगह अनाउंस हुआ है, और हाँ वेन्यू वगैरह ट्विटर में बता ही देता है, और साथ ही इस मैच का जो डेडलाइन है मैंने जहाँ देखा था ऑफिशियली 2:30 पे था शायद, ठीक है, तो 2:30 मैच स्टार्ट रहने की एक्जैक्टली वो 2 बजे आपको एक्टिव रहने। एंड अब बात करते प्लेयर वाइज एनालिसिस, वीडियो सबसे मेन पार्ट है, ठीक है, बाकी देखो इससे अच्छा मैच ये वाला है, तो इस मैच को भी कवर करूँगा, वीडियो प्रीव्यू वगैरह मैं दे दूँगा, तो उसकी टेंशन मत लो, ये मैच सिर्फ ऐसे में दे देता हूँ, क्योंकि ना बहुत सी चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं, और वुमेन मैचेस मैं कभी मिस करना भी नहीं चाहता, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट अगर आपको कमाना है फैंटेसी फील्ड में, तो आपको वुमेन मैचेस खेलने चाहिए, और ये नहीं आज के 9 तारीख हो गया ना, परसों से 100 से स्टार्ट है वुमेंस का, तो उसमें तो और पैसे छापेंगे, अभी थोड़ा मतलब कि ओके इन्वेस्टमेंट कर लो थोड़ा बहुत, बाकी के कुछ मैचेस में बात कर विकेट कीपर से लेकर, उससे पहले दूसरे वीडियो को जूस लाइक कीजिए, जिससे मोटिवेशन मिलता है, इस वीडियो को जूस लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब बेल का ऑन, ऑल से आने वाले वीडियो से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। बात विकेट कीपर से चल, देखो एलिस्टर का क्या है, अगर बैटिंग ऑर्डर देखो तो थोड़ा सा नीचे बैठी होगी, केस में ओपन करेगी, लेकिन मेजोरिटी क्या करती है, वो सोचती है कीड इनका हाई है तो ये सबसे अच्छी प्लेयर होगी, जरूरी नहीं ये नहीं ऐसा तो होता नहीं, पहली बात तो मैं के लिए आ रहा हूँ केस स्मिथ के साथ जो कि इंपॉर्टेंट है कि टीम उधर से ओपन करेगी, एक मास्टर पिक होनी चाहिए, हालांकि उतना होप नहीं करना चाहिए, T20 मैच है तो 60-70 रन की होप करना ऐसी टीम से ये दो, ठीक है, क्योंकि देखो इंटरनेशनल टीम नहीं है, अंडर 19 टीम्स है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इट अगर इंपॉर्टेंट है टीम उधर से एक मास्टर पिक होनी चाहिए, आप कवर करके चलिएगा। उसके अलावा टीम उधर से देखोगे नीचे थोड़ा सा देखोगे तो आपको ई वॉलिसम जो कि इंपॉर्टेंट है कि टीम उधर से, वॉलिसम जो कि इंपॉर्टेंट है कि टीम उधर से, उसके अलावा टीम उधर से ना अब देखोगे इनका रॉबिन सचमेंट जो टीम इधर से ना
टीम में 10 देखो तो ठीक ठाक ऑप्शन होनी चाहिए, तो पिक करके चलते हैं। उसके अलावा डी कार्टर इंपॉर्टेंट है, और थर्ड ऑप्शन है जो कि टीम के साथ जा सकते हैं, पी मौलिक कैंडर जो कि टीम 10 है, मैं साइड रखता हूँ, आप चाहते पिक कर सकते हो साइड रखते हुए अभी चल के। ई कैपर इंपॉर्टेंट है टीम 10 है, मस्ट पिक होनी चाहिए। डी कार्टर भी इंपॉर्टेंट है टीम 10 है। उसके अलावा नीचे स्कोल डाउन के तो कुछ खास प्लेयर है नहीं, सिवाय यहाँ पे आरबेन ऑस्टेडम जो कि इंपॉर्टेंट है टीम 10 कवर करके चलते हैं। उसके अलावा एन रॉबिन स्टोन वगैरह है नहीं, साइड रखते हैं। हाँ आर लॉरेंस अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, 8 किट में आपको मिल रहा है, अवेलेबल है। उसके अलावा के फ्रेशर दोस्तों, ये वही प्लेयर है जो कि टीम से विकेट टेकी प्लेयर है, इंटरनेशनल मैच शायद खेल चुकी है, आपको याद होगा स्कॉटलैंड की काफ़ी अच्छी प्लेयर है। मैं इनके साथ ही कैप्टन चाहूँगा क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि ये बहुत अच्छी प्लेयर टीम से, मुझे तो इससे अच्छा मिलेगा भी मुझे कैप्टनसी के, क्योंकि शायद इंटरनेशनल मैचेस खेल चुकी है, मैच मुझे अच्छे से तो याद नहीं, लेकिन हाँ इतना याद है कि मैं इनको बहुत टीम में पिक कर चुका बहुत से मैचेस में, ठीक है। उसके अलावा टीम से एम मैकेनी इंपॉर्टेंट है, टीम तो से एम फेसल इंपॉर्टेंट है, टीम से टॉप 3 उनको ले लो। नीचे स्कोर डाउन करते एम केडवाई भी इंपॉर्टेंट है, टीम से आप तो पिक कर सकते हो। नीचे स्कोर डाउन कर तो कुछ खास प्लेयर नहीं है, 9.5 किट बस है, आपको डिसाइड करना 11 में, देखो 11 के 9.5 किट में आप जा सकते हो। मैं फिलहाल के जाना चाहूँगा ऑलराउंडर सेक्शन में, इनके साथ नहीं जाते, आप पी मेल कर जा सकते हो, बट इतना कुछ खास मुझे पसंद नहीं, तो साइड रखते आप जाओ फिलहाल के लिए एम केडवाई के साथ, जो टीम 10 ठीक ठाक ओवरऑल प्लेयर है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं है, बट ठीक ठाक ऑप्शन रह गए, 80% सिलेक्शन भी हो, ठीक ठाक ऑप्शन रहनी भी चाहिए, तो ओवरऑल मेरी टीम बन चुकी। लेकिन मेरा मन कह रहा है कि विकेट कीपर चेंज करने का, अब विकेट कीपर चेंज करने से हुआ क्या मैं बताता हूँ। जैसे विकेट कीपर एलिस्टर ले लोगे तो 7-4 का कॉम्बिनेशन बन जाता है, और यहाँ पे एक और रिस्क ले सकते हो, यहाँ पे ना आप ड्रॉप करके वॉली सिंगम को ड्रॉप करके ट्राई कर सकते हो, पी मलिक मलिक एम्पर को ट्राई कर सकते हो। ओवरऑल अब मेरी टीम बन चुकी है, तो अब मैं सेफ ही गया हूँ, क्योंकि अभी देखो आफ्टर टॉस के बाद ही मैं चेंजेस करूँगा, अभी तो सेफ गया, जो मैंने मन था कि मुझे वो प्लेयर चाहिए जो कि इस मैच के लिए अवेलेबल है, और जो मैं आपको लाइनअप से ऑलमोस्ट कन्फर्म लाइनअप सी है, एक बार देख लेना टेलिया में, बट ओवरऑल टीम काफ़ी सी है। बाकी आप ग्रैंड टीम रोसे लोरेंस को ट्राई कर लीजिएगा। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन, तो मुझे लगता है मतलब ये नीचे थोड़ा सा स्कोर डाउट है, ये फ्रेशर्स को अच्छा अवसर मिलेगा, ये वही प्लेयर है जो कि टीम 10 विकेट टेकी प्लेयर है, शायद 2-3 विकेट लेके जाती थी, अच्छी प्लेयर टीम से आप कवर करके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कैप्टन भी जा सकते हो, अच्छी विकेट टेकी प्लेयर। आप किसके साथ जा रहे हो कैप्टन, लोग डी कार्टर के साथ जा रहे, ठीक है कैप्टन चले जाए, वाइस कैप्टन ई कैपल के साथ जा रहे, ये भी कोई बात है ख़राब ऑप्शन है, डी कार्टर भी काफ़ी सही बाय डिफॉल्ट काफ़ी सही पिक है, तो मेरे हिसाब से आप डी कार्टर के साथ भी कैप्टन जा सकते हो। मैं फिलहाल के लिए के फ्रेशर के साथ मैं कैप्टन जाना चाहूँगा, जो उस टीम से बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेती है, टीम से एक स्पिनर है बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेती है। डी कार्टर अपना वाइस कैप्टन जा रहा हूँ, खेलते जा पा रही तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ओवरऑल मेरी टीम बन चुकी है। अगर आपको मन करा है कि नहीं हमें सीबीसी को स्वाइप का थोड़ा सा सेफ जाते हैं, तो फिलहाल के थोड़ा सा सेफ चले जाओ, थोड़ा सा भी सेफ चले जाओ, डी कार्टर है कैप्टन, वाइस कैप्टन के फ्रेशर के साथ, अच्छी प्लेयर है के फ्रेशर, इसलिए मैं अपना जाना चाहूँगा अपना वाइस कैप्टन। ओवरऑल मेरी टीम बन चुकी है, जैसे आप इस मॉली खेलने जा सकते हो, ज़्यादा मैं कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया हो, अपनी टीम बस सेम टीम से जाकर कॉन्टेस्ट कप को बुक करना है, ज़्यादा मुझे कोई क्रिकेट इशूज़ भी नहीं पड़ा है, सेम टीम के साथ आप जा सकते हो। लेकिन आफ्टर टॉस देखो मेरे पास किट था ना, इसलिए मैंने बड़े प्लेयर्स को थोड़ा सा ट्राई कर लिया, इसलिए क्रिकेट का यूज़ कर लिया, ठीक है क्रिकेट का यूज़, आप भी सेम टीम के साथ जा सकते हो, कोई चेंजेस हुआ तो टेलीग्राम पर अपडेट करूँगा। अगर आप सोचे किसको फेवरेट मान के टीम बनाए, तो मैं बता दूँ थोड़ा सा स्कॉटलैंड के पास थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, बस फ़र्क यही है, बाकी नेदरलैंड भी ठीक है, बट स्कॉटलैंड को आप थोड़ा सा फेवरेट मान के टीम बना सकते हो। अगर ये ऑफिशियल टीम रहती इंटरनेशनल टीम, तो आप तो नेदरलैंड ही स्ट्रॉन्ग रहती, लेकिन स्कॉटलैंड भी अभी करंटली एक ठीक ठाक टीम है, बट ये अंडर 19 टीम्स है, इस वजह ध्यान रखिएगा। सेम टीम के साथ जा सकते हो इन्वेस्टमेंट करने, कोई चेंजेस हो तो टेलीग्राम पर अपडेट करूँगा, तो फाइन टीम के लिए एक्टिव रहना, सेम टीम के साथ अभी अमाउंट इन्वेस्ट करना, ठीक है ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना, 100 सीज के लिए मतलब कि पैसा बचा के रखना। 9-11 तारीख से सीरीज़ है, वो भी वुमेन मैचेस, तो मैं तो कभी मिस नहीं करना चाहूँगा बिल्कुल भी, अभी अमाउंट ओके इन्वेस्टमेंट करके चलना। अब बाकी के मैचेस में मिलता है टेलीग्राम पे एक्टिव रहना, क्योंकि ऐसे कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, मिलता है टेलीग्राम पे 41,700 से ज़्यादा लोगे, तो टेलीग्राम पे एक्टिव रहना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना, जब तक वीडियो को जो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके ऑन ऑल पर सेट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट मैच की वीडियो, वही मतलब कि KCL T20 है ना, उसका वीडियो आएगा, तो उसके लिए एक्टिव रहना।